लिट्टी चोखा बिहार और उत्तर प्रदेश का प्यार। जी हाँ, यही कहते हैं इस डिश के लिए। ये बिहार के ललन टॉप व्यंजनों में आता है। ललन टॉप एक ऐसा वर्ड है जो बिहार में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। बिहार में अलग अलग जगहों पर लिट्टी चोखा ऐसे बनता है कि जब घर पे मेहमान आते हैं या फिर शादी ब्याह का टाइम होता है तो लिट्टी चोखा उनमें से एक स्पेशल डिश तो होती ही होती है। यूपी बिहार की फेमस डिश लिट्टी चोखा हम बनाएंगे आज अपने किचन में बहुत ही सिंपल तरीके से। वैसे तो दोस्तों, ये जो लिट्टी चोखा होता है ये यूपी बिहार में बनाते हैं आग में भून के, जिससे इसमें एक ऑथेंटिक सा टेस्ट आता है। पर मैं अपने किचन में इसको बनाऊंगी आज आपके पैन में, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आराम से आप बना सकते हैं इसको अपने किचन में। एकदम ट्रेडिशनल ऑथेंटिक लिट्टी चोखा की रेसिपी आज जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। चलिए हम भी बनाना शुरू करते हैं लिट्टी चोखा। तो सबसे पहले हम बनाएंगे चोखा, जिसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी बैंगन की। बैंगन जो गोल मोटे बैंगन होते हैं भरते वाले, वो बैंगन मैंने यहाँ पर 2 बड़े लेकर रखे हुए हैं। साथ ही इसके साथ हम लेंगे 4 टमाटर। इसके साथ हमें आलू की भी जरूरत पड़ेगी, तो आलू मैंने पहले ही बॉयल करके साइड रख दिए हैं। और इसके अलावा हम लेंगे 4 से 5 हरी मिर्चें। हरी मिर्चें वैसे तो जो यूपी बिहार में मिलती हैं दोस्तों वो पतली और तीखी वाली होती हैं, पर मेरे पास यही मिर्ची थी तो मैंने कहा इसको ही यूज करते हैं। और अब हम क्या करेंगे, बैंगन में इस तरह से चीरा लगाएंगे ये चेक करने के लिए कि कहीं इसमें कोई कीड़े वगैरह तो नहीं है, क्योंकि बैंगन में अक्सर अंदर कीड़े होते हैं। तो इस तरह से इनको कट लगाकर चेक कर लें। और कट लगाने के बाद भी जो है इनको आपको नाइफ से या फिर फोक से इस तरह से गोद देना होगा, जिससे अंदर तक ये अच्छे से पक जाए। जब हम इनको फ्राई करते हैं यानी भूनते हैं तो फिर ये जो है बहुत जल्दी पक जाते हैं। अगर इस तरह से इनको गोद कर पकाया जाए तो बहुत जल्दी पकते हैं, टाइम बहुत कम लगता है। और इसी के साथ ही साथ जो है हमें इस चोखे को बनाने के लिए लहसुन की कलियों की जरूरत पड़ेगी। लहसुन की कलियों को हम इस तरह से जहां जहां हमने छेद करके रखा है, कहीं भी, चाहे चीरे पर या फिर हमने जो नाइफ से किया है, वहां पर आप इस तरह से लहसुन की कलियों को अच्छे से फिल कर दें। तो एक बैंगन में लगभग 8 से 10 लहसुन की कलियां सफिशियंट होती हैं, क्योंकि हम थोड़े से बारीक कटे हुए लहसुन भी बाद में ऐड करते हैं। ये लहसुन जो होते हैं चोखे में बहुत अच्छे से रोस्ट हो जाते हैं। तो चोखे में जो लगभग सारी चीजें होती हैं वो रोस्ट करके पड़ती हैं, जैसे कि मिर्ची है, लहसुन है। आप चाहें तो यहाँ पर बैंगन के साथ साथ मिर्ची को भी फिल कर सकते हैं, पर चूंकि हमारी मिर्ची थोड़ी सी बड़ी है दोस्तों, इसलिए मैं यहाँ पर मिर्ची को अलग रोस्ट करूंगी। और इसके बाद से अब हम क्या करेंगे, हाथों पर थोड़ा तेल लगाकर बैंगन में इस तरह से चुपड़ देंगे। इससे क्या होते हैं, बैंगन के छिलके बहुत ही आसानी से निकल कर बाहर आ जाते हैं। टमाटरों पर भी इस तरह से ऑयलिंग कर देंगे। टमाटरों को मतलब एक बार ऑयल लगाकर हाथों से पोंछ दें। तो इसके बाद से हम क्या करेंगे, गैस ऑन करेंगे और गैस पे हम अपने बैंगन को और टमाटर को भून लेते हैं। तो बैंगन को भूनने के लिए फ्लेम को हाई रखें। हाई फ्लेम पर बैंगन को भूनने में 5 से 7 मिनट का टाइम लगता है। बैंगन को आप बीच बीच में उलट पलट लें और जिधर साइड आपको लगे कि नहीं भूना है उस साइड से भून लें। तो यहाँ देखिए बैंगन हम निकाल कर, और जब बैंगन भून जाता है तब उसको इस तरह से आप जोर से पटकें। जोर से पटकने से होता यह है कि बैंगन पूरी तरह से अंदर से खुल जाते हैं और फटाफट से ठंडे होते हैं। साथ ही अगर ये मतलब हाफ भी पके होते हैं तो भी इनको छीलना बहुत आसान होता है। इसके बाद से अब हम लेंगे टमाटर। टमाटरों को भी इसी तरह से गैस पर आप स्टैंड पर रखकर रोस्ट कर लें। टमाटरों को भी हम हाई फ्लेम पर कर लेंगे जब तक ये चारों ओर से भून ना जाए। इसके बाद से बारी आती है मिर्ची की। मिर्ची को भी इसी तरह से गैस पर भून लेंगे। अगर आपके पास तंदूर है तो उसमें भी आप ये सारे काम कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको बहुत सिंपल तरीके से, जो इजी वे में है, वो सारी चीजें बता रही हूँ। देखिए मिर्ची भी भून कर तैयार हो गई है। मिर्चियों को इसी तरह से भूनने कर तक अच्छे से भून लें और फिर निकाल कर प्लेट में अलग रख लें। तो मैंने यहाँ पर 4 से 5 मिर्ची यूज करी है। अगर आप एक बैंगन ले रहे हैं तो आप मिर्ची की क्वांटिटी कम कर सकते हैं। यहाँ पर सारी चीजें भून गई हैं जैसा कि आपको दिख रहा है। अब हम उतार लेंगे बैंगन का छिलका। बैंगन हल्के से ठंडे हो गए हैं तो आप देखिए तेल लगाने की वजह से हाथ लगाते ही बैंगन के छिलके उतर कर निकल जा रहे हैं। तो इस तरह से तेल लगाने से और नाइफ से अच्छे से प्रिक करने की वजह से बैंगन के छिलके बहुत आसानी से निकलते हैं और इसे भूनने में मुश्किल से 5 मिनट का टाइम लगता है। बैंगन का छिलका उतार लिया है, इसे हम अलग करके रखते जाएंगे और इसमें जो लहसुन की कलियां हैं उनको भी हम रख देंगे। और दोस्तों ये है हमारे बॉयल आलू। अब इनमें हमें देना है एक सोना सा स्वाद। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, गैस पर ही इस बॉयल आलू को हम रोस्ट कर लेंगे। इससे क्या होगा, इसके छिलके अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे और आलू में भर जाएगी सोधी खुशबू, यानी कि चूल्हे वाली खुशबू। दोस्तों तो यहाँ पर देखिए इस आलू को मैंने पूरा अच्छे तरीके से रोस्ट कर लिया है, क्योंकि अगर हम सिंपल बॉयल आलू डालेंगे तो चोखे में वो फ्लेवर नहीं आएगा जो यूपी बिहार में आता है। तो इसलिए आलू को हम अच्छे से रोस्ट करके डालें। अब आलू को हमने पहले से बॉयल किया है तो आलू को कुक करना जरूरी नहीं है, बस इसके छिलकों को अच्छे से रोस्ट कर लें। ये देखिए छिलके कितने बढ़िया तरीके से रोस्ट हो गए हैं और इन आलुओं में आ रही है एकदम बढ़िया सी खुशबू। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ एक बड़ा आलू लिया है। अगर आप छोटे आलू ले रहे हैं तो आप 2 मीडियम साइज के आलू ले सकते हैं। तो देख रहे हैं, लग रहा है ना कि जैसे मैंने इन्हें जो है
चूल्हे पे भुना हुआ है, सारी चीजें अच्छे से छिलकर रेडी हो गई हैं। अब हम दोस्तों यहाँ पर लेंगे एक मिनी चॉपर। आपके पास मिनी चॉपर नहीं है तो आप मैशर से भी ये काम कर सकते हैं या फिर हाथों से भी ये काम कर सकते हैं। मैंने चूंकि इनको बहुत कम कम भुना है, बहुत ज्यादा नहीं भुना है, तो हम क्या करेंगे, काट काट कर मिनी चॉपर में अपनी सारी चीजों को अच्छे से चॉप कर लेंगे। उससे क्या होगा दोस्तों कि चोखा जो है बहुत ही स्मूथ बनेगा और फिर आपका काम आसान हो जाएगा, टाइम भी कम लगेगा। तो बड़ा काम हमें कम समय में करने के लिए ये मिनी चॉपर की जरूरत पड़ेगी। टमाटरों को मैं पहले इस तरह से मिनी चॉपर में चॉप कर लूंगी और इसी तरह से करके हम अपने मिर्ची बैंगन हर चीज को मिनी चॉपर में ही चॉप करेंगे, यानी कि एकदम फाइन पेस्ट सा रेडी कर लेंगे। तो चलिए इस मिनी चॉपर का ढक्कन लगाकर हम चला लेते हैं और टमाटर आप देखेंगे कि एकदम बढ़िया से स्मूथ हो जाते हैं। हाई फ्लेम पर करने की वजह से टमाटर के अंदर हल्का सा अगर हार्डनेस है तो वो इस चॉपर में चलाने के बाद एकदम सही हो जाता है। देखिए टमाटर हमारे बहुत अच्छे से कैसे रेडी हो चुके हैं। इसके बाद से इसी तरीके से मैं मिर्ची बैंगन आलू हर चीज को यहाँ पर रेडी कर लूंगी। देखिए हमारे बैंगन कितने स्मूथ हो चुके हैं और मैंने सब कुछ मिनी चॉपर से किया है। अब डाले हैं इसमें मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज एकदम बारीक चॉप करे हुए और साथ ही 1 बड़ा चम्मच खाने वाली चम्मच भर के है कटे हुए अदरक। और जो है अदरक आप थोड़ा सा कम ज्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा हम डालेंगे हरी मिर्चें थोड़ी सी, यानी कि लगभग 2 हरी मिर्चें मैंने और डाली हैं क्योंकि वो जो मोटी हरी मिर्चें होती है दोस्तों वो तीखी कम होती हैं। 1 बड़ा चम्मच भरकर लहसुन डाली है। लहसुन पहले भी डाला था, अभी मैंने वापस डाली है। आप लहसुन कम पसंद करते हैं तो इसको स्किप कर सकते हैं। हरी धनिया है, साथ ही डाला है नमक। नमक भी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग 2 टीस्पून लगभग डाल सकते हैं। अब इसके पास से हाफ लेमन जूस में डालूंगी जिसमें रस काफी अच्छा है तो हाफ ही सफिशियंट है। अगर आप ज्यादा खट्टा नहीं चाहते तो लेमन जूस को स्किप कर सकते हैं। इसके बाद से ये दोस्तों है अचार का तेल, किसी भी बचे हुए अचार का तेल आप डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर केयर के बचा अचार का तेल डाला है तो यहाँ पर 2 टेबल स्पून अचार का तेल डाला है। अचार का तेल आप नहीं डालना चाहते तो आप सिंपल सरसों का तेल भी यूज कर सकते हैं। वैसे बिहार में अगर देखा जाए तो अचार का तेल या फिर सरसों का तेल ही डाला जाता है। सभी चीजों को अच्छे से मिला लीजिए तो हमारा ये बढ़िया सा चोखा बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए चोखा कितना टेस्टी बना है, इसको हम कर देते हैं साइड। अब नेक्स्ट इसके बाद बारी आती है आटा गूंदने की। लिट्टी का जो कवर होता है वो हम तैयार करने जा रहे हैं। इसके लिए मैंने लिया है गेहूं का आटा जो कि 3 कप लगभग है। अब इसमें 1 टीस्पून नमक डाल दिया है, साथ ही 2 से 3 टीस्पून भर के हम यहाँ पर देसी घी लेंगे। तो देसी घी मेल्ट नहीं है, मैंने ऐसे ही इसको डाल दिया है। तो यहाँ पर लगभग 3 टीस्पून देसी घी है, अगर मेल्ट करने के बाद आप देखेंगे तो 3 टीस्पून है। दोनों चीजों को अच्छे से मिला लेंगे। इसके बाद से एक सीक्रेट चीज जो मैं यहाँ पर भूल गई हूँ दोस्तों वो है बेकिंग पाउडर। क्योंकि ये बाटी हम बना रहे हैं या फिर ओवन में बना सकते हैं, तंदूर में बना सकते हैं, जैसा कि आपको पता है मैं बनाऊंगी अप्पे पैन में, तो फिर इस बाटी में होगा थोड़ा सा बेकिंग प्रोसेस और वो बाटी हमारी जल्दी पके इसके लिए मैंने बेकिंग पाउडर डाला है। आप बिना बेकिंग पाउडर के भी बना सकते हैं पर वो बाटी थोड़ी सी हार्ड होगी। सारी चीजों को अच्छे से मिला लिया है और पानी डालकर नॉर्मल एक डो तैयार कर लिया है। ये जो बाटी का आटा है वो सेमी हार्ड होता है, ना ही बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है ना ही हार्ड होता है, सेमी हार्ड डो तैयार किया है। थोड़ा सा तेल लेकर आटे को चिकना करेंगे और इसको हम साइड करके रख देंगे 10 मिनट के लिए। तब तक इसके अंदर की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया है चने का सत्तू। नॉर्मल चने का सत्तू मार्केट में इजिली अवेलेबल होता है, वो जरूर ले लीजिए। और इसके बाद से डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। आप भुने चने को भी पीस कर चने का सत्तू रेडी कर सकते हैं। मार्केट में जो भुने चने आते हैं बिना छिलके वाले उनको पीस सकते हैं। और यहाँ पर गई है 1/2 टीस्पून भर के अजवाइन और ये है 1/4 टीस्पून कलौंजी यानी कि मंगरेला के दाने या फिर जिनको निगेला सीड्स भी बोलते हैं। इसके साथ ही साथ ये जो जा रही है ये है हमारी बारीक कटी हुई प्याज। तो 2 प्याज मीडियम साइज की लगभग यहाँ पर मैंने चॉप करके ऐड करी है। प्याज लहसुन अगर आप नहीं खाते तो आप इन चीजों को स्किप करके भी आराम से लिट्टी चोखा बना सकते हैं। और इसके बाद से ये है लगभग 1 बड़ा चम्मच हरी मिर्च, 1 बड़ा चम्मच कटी हुई अदरक। अदरक को आप क्रश करके भी डाल सकते हैं या फिर पेस्ट भी डाल सकते हैं। 1 बड़ी चम्मच भर की कटी हुई लहसुन की कलियां हैं। सारी चीजों को अच्छे से डाल लीजिए और इसके बाद से हरी धनिया की पत्तियां अपनी श्रद्धा के अनुसार आराम से डालिए। और इसके बाद से दोस्तों ये है लेमन जूस। तो पूरी 2 नींबुओं का रस मैंने यहाँ पर ऐड किया है क्योंकि हमारा जो मिक्सचर होता है ना वो ऐसे करने वाला होता है, क्योंकि इतना जितना ज्यादा इसको चटपटा बनाएंगे ना ये उतना ही मजेदार बनेगा। और अब हमारे घर में होता है लाल मिर्च का अचार, अगर आपके पास लाल मिर्च का अचार नहीं है तो आप आम के अचार का मसाला भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये मिक्सचर जो होता है बहुत ही चटपटा बनता है कि खाते ही जबान से चट की आवाज आती है। और इसके बाद से मैं ले रही हूँ यहाँ पर तेल, जो अचार का बचा हुआ मसाला होता है उसमें जो तेल होता है वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे।
तेल यहाँ पर मैंने एक बार 2 टेबल स्पून लगभग लिया है। और जब हम इस मिक्सचर को अच्छे से मिला लेंगे, अगर उसके बाद भी आपको लगे कि मिक्सचर बहुत ज्यादा ड्राई है, तो आप तेल की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हमारा जो ये मिक्सचर है ये पूरी तरह से तेल से तैयार होता है, मतलब हम इसमें पानी का यूज नहीं करते हैं। कई बार लोग पानी थोड़ा छिड़क देते हैं, पर जो ऑथेंटिक ट्रेडिशनल लिट्टी चोखा बनता है वो बिना पानी के बनता है। इसके स्टफिंग में बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं होता है। और ये जो स्टफिंग है अगर फ्रिज में रख दिया जाए दोस्तों तो 1 से 1.5 महीना कहीं नहीं जाता, क्योंकि इसमें पानी एक बूंद भी नहीं होती है। तो हमारी स्टफिंग जो है बहुत अच्छे से फ्रिज में पड़ी होती है। इसको जब चाहे आप लिट्टी या फिर भरवा पराठे बनाकर तैयार कर सकते हैं। देखिए हमारी स्टफिंग कितनी बढ़िया बनी है। जब हम इसको लड्डू बांधते हैं तो ये मिक्सचर जो है कुछ लड्डू की शेप में आ जाता है। तो इतना हमें यहाँ पर अचार का तेल ऐड करना है। स्टफिंग रेडी है, चलिए बनाते हैं अपनी लिट्टी। आटा भी हमारा तैयार है, थोड़ा सा सूखा आटा ले लेंगे। और चूंकि मैं आपे पैन में बना रही हूँ तो मैं लिट्टी की साइज थोड़ी सी छोटी रखूंगी। अगर आप कुकर में बना रहे हैं या फिर अवन में बना रहे हैं और बाटी वाले तंदूर में बना रहे हैं तो फिर आप इसकी साइज थोड़ी बढ़ा के ले सकते हैं। मैं यहाँ पर छोटे साइज की लूंगी। और बीच में कटोरी बनाते हुए चारों चारों उंगलियों की मदद से हम इसको एकदम बढ़िया सा गोल शेप देंगे। लेयर को थोड़ा सा पतला रखेंगे। और इसके बाद से 1 बड़ा चम्मच भर के हम डालेंगे अपनी स्टफिंग, यानी कि सत्तू वाली, ये जो मसालेदार सत्तू है इसको हम भर लेंगे। अच्छे से हाथों से दबाएंगे और चारों साइड को उठाते हुए बस जैसे हम कचौड़ी बनाते हैं या फिर बाटी बनाते हैं वैसा शेप दे देंगे। वैसे दोस्तों कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं लिट्टी और बाटी में, तो मैं बता दूं कि बाटी और लिट्टी टोटली 2 अलग-अलग चीजें हैं। बाटी में अच्छे से मोइन जाता है, सूजी वगैरह का यूज होता है, पर लिट्टी में सिर्फ आटे से लिट्टी बनाई जाती है और मोइन ज्यादा नहीं होता है। साथ ही इसमें स्टफिंग भी होती है, तो लिट्टी जो है खाने में बहुत चटपटी होती है। यहाँ पर मैं आपको दूसरी लिट्टी भी बनाकर दिखा देती हूँ। देखिए वापस स्टफिंग भरी है और चारों कोनों को उठाते हुए इस तरह से चारों ओर से हम लाकर इसका मुंह बंद कर देंगे। तो हमारी बढ़िया सी लिट्टी छोटे से शेप में बनकर रेडी हो गई है। इसको बनाना कैसे है चलिए वो भी देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपे पैन को गर्म कर लिया है। इसमें हम डालेंगे देशी घी। दोस्तों देशी घी का ही यूज करें, तेल का यूज बिल्कुल भी ना करें। देशी घी डाल दिया है बहुत थोड़ा थोड़ा और सारी लिट्टियों को इसमें फैला देंगे। फैलाते समय ये हमारा अपे पैन गर्म है, ध्यान से डालिए और फ्लेम को सिम ही रखिए। तो सारे डालने के बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, वापस से एक बार ऊपर से और घी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आप ब्रश की मदद से इस पर देशी घी डाल सकते हैं अपनी लिट्टी के ऊपर, या फिर स्पून से भी डाल सकते हैं। मैं आपको दोनों तरह से करके दिखा रही हूँ, पर जब हम ब्रश से लगाते हैं तो कम भी लगता है, साथ ही बहुत अच्छे से भी लग जाता है। तो इस तरह से घी लगा देंगे हम सारी लिट्टी के ऊपर। और बस इसके बाद से ढक्कन लगाकर इसे 3 मिनट के लिए सिम फ्लेम पर छोड़ दीजिए। 3 मिनट के बाद हम अपनी लिट्टी को वापस चेक करेंगे। 3 मिनट हो गए हैं दोस्तों, लिट्टी हमारी एक साइड से अच्छी सी सिक गई है। इसको हम क्या करेंगे कि पलट देंगे। अभी हमारी लिट्टी हालांकि लाल होना बाकी है, पर इसकी जो सिकाई होती है वो हो चुकी है एक साइड से। इसको वापस से हम ढकेंगे, लेकिन अभी जो है हम फ्लेम को कर देंगे मीडियम। मीडियम फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे 3 मिनट के लिए। 3 मिनट वापस से हम उठा रहे हैं। अब हमारी दोनों साइड की लिट्टी जो है सिक कर रेडी हो गई है। देखिए नीचे वाली लिट्टी मीडियम फ्लेम की वजह से और बढ़िया से सिक चुकी है। अब इसको उलट पलट कर आप बर्तन को थोड़ा सा साइड बाय साइड कर सकते हैं अपनी लिट्टियों को सेकने के लिए। तो इस तरह से कुल ये 8 से 10 मिनट लेगी एक राउंड की लिट्टी तैयार होने में। कुल देखिए दोस्तों 10 मिनट का टाइम लगा है, लिट्टी हमारी बढ़िया से बनकर तैयार हो चुकी है। बाद में जब मैंने फ्लेम को मीडियम किया था तो उसके बाद से इसे सिम नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पर ही बनाना है। अभी हमारी लिट्टी बहुत बढ़िया से सिक कर तैयार हो गई है। बाद में ना ही कोई घी डाला है ना ही कुछ डाला है और लिट्टी काफी ज्यादा गर्म है, तो मैं आपको उठाकर नहीं दिखा पा रही हूँ। और आपको मैं एक लिट्टी उठाकर दिखाती हूँ। देखिए लिट्टी हमारी फटने भी लगी है क्योंकि हमने डाला है बेकिंग पाउडर। तो लिट्टी जो है काफी अच्छी तरीके से जैसे आग में फटती है वैसे ही हमारे अप्पे पैन में भी फट जाती है। तो इस तरह से हमारी सारी लिट्टियां बहुत बढ़िया से फट कर रेडी हो गई है। लिट्टी जब फटने लगे तब समझिए दोस्तों की लिट्टी जो है सिक कर तैयार हो चुकी है। इसे हम अब निकाल लेते हैं बाहर और चलिए सर्व कर लेते हैं अपनी बढ़िया सी प्लेट। तो इसके साथ आप प्याज और हरी मिर्च भी सर्व कर सकते हैं, कोई हरी चटनी है तो वो भी सर्व कर सकते हैं लिट्टी के साथ। ये सारी चीजें बहुत टेस्टी लगती हैं खाने में। एक एक लिट्टी को आप देशी घी में डुबा कर सर्व कर सकते हैं या फिर ऐसे ही सर्व कर सकते हैं। तो हमारा चोखा बनकर तैयार है, ट्रेडिशनल ऑथेंटिक यूपी बिहार स्टाइल का लिट्टी चोखा। ये थाली आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। आई होप दोस्तों ये थाली तो आपको अच्छी लगी होगी। यूपी बिहार का प्यार है दोस्तों लिट्टी चोखा। तो इस तरह से आप भी यूपी बिहार का प्यार अपने घर में बनाइए, खिलाइए, परोसिए। देखिए मैं एक लिट्टी आपको तोड़कर भी दिखा रही हूँ और आप देख सकते हैं कि अंदर तक कितनी बढ़िया से सिकी हुई लिट्टी है, लगता ही नहीं कि हमने अपने पैन में बनाया है। तो आई होप दोस्तों आपको मेरा तरीका तो पसंद आया ही होगा। फिर मिलते हैं अपनी नई रेसिपी के साथ नए वीडियोज में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।